हेलो दोस्तों, नमस्ते। भवन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी आलू की सब्ज़ी। देखिए दोस्तों, हमने सभी चीज़ों को काट के रख दिया है और गोभी को हम उबालने के लिए रख देंगे। दोस्तों, इसमें जो कीटाणु होते हैं वो उबालने से ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए। और हमने लहसुन पेस्ट लिया है, धनिया लिया है, हल्दी लिया है और मिर्च लिया है। देखिए दोस्तों, हमारी गोभी उबल चुकी है, इसको हम बंद कर देंगे। अब एक कुकर लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे गर्म होने के लिए। हमारी तेल गर्म, इसमें गोभी डाल देंगे, इसको थोड़ा तेल में फ्राई कर लेंगे। इसको तेल में अच्छे से भून लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम आलू को भी इसी तरह भून लेंगे। और आलू को भी निकाल लेंगे भुन के। सभी आलू को निकाल लेंगे और तेल, इसी तेल में डाल देंगे जीरा, थोड़ा हींग और हरी मिर्च कटी हुई और प्याज डाल देंगे। और इसको अच्छे से प्याज को भून लेंगे। देखिए दोस्तों, ये भून चुकी है, इसमें डाल देंगे मसाले और इसको थोड़ा भून लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। और इसको थोड़े देर और भून लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे मसाले भून रहे हैं, इसको कुछ देर और भून लेते हैं। अब हमारी मसाले भुन चुकी है, इसमें डाल देंगे टमाटर स्वाद अनुसार, नमक और इसको भून लेंगे। दोस्तों, हमने इसमें मटर भी लिया है थोड़ा सा और इसको अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें डाल देंगे गोभी आलू और इसको अच्छे से 5 मिनट तक पका लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी गोभी बनकर तैयार है।